हेलो एंड वेलकम स्वागत है फोर एक्स फ्रंट बॉक्स में। सो फ्रेंड, ओप्पो ने अपनी पॉपुलर एफ सीरीज के दो स्मार्टफोन लॉन्च कर दिए इंडिया में, ओप्पो F21 Pro 4G एंड ओप्पो F21 Pro 5G। तो आज हम बात करने वाले ओप्पो F21 4G, जिसके प्रोज और कॉन्स की बात करें तो उससे पहले बता दूंगा, चैनल पर नया हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे वीडियो चैनल पर देखने मिलते हैं। तो पहले शुरू करते हैं डिस्प्ले की तरफ से, जिसमें देखने में मिलता है 6.43 इंच का एमोलेड पैनल वाला डिस्प्ले देखने मिल जाता है, और साथ में 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, जिसके अंदर गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने मिल जाता है। तो ओवरऑल डिस्प्ले में फ़ोन अच्छा है। बैक पैनल की बात करें तो अच्छी क्वालिटी का आपको फाइबर ग्लास लेदर बैग मिल जाता है, जिससे छूते हुए कुछ प्रीमियम फ़ोन की लुक फील आती है। और ओप्पो ने क्लेम किया कि ये स्मार्टफोन सबसे लाइट वेट और थीन है, सबसे पतला स्मार्टफोन है, और बैक में मिल जाता है ट्रिपल कैमरा सेटअप। तो बिल्ड क्वालिटी में फ़ोन अच्छा है, एक अच्छी गुड क्वालिटी का फ़ोन है। और अब बात करें इसके परफॉर्मेंस की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ओप्पो F21 Pro में एक 4G प्रोसेसर यूज़ किया गया है, जो स्नैपड्रैगन 680 एसोसिएट का प्रोसेसर है, जो आजकल करीब 12 से 13 हज़ार के स्मार्टफोन में यूज़ किए जाते हैं। तो इसके अंदर आपको एक ही वेरिएंट देखने मिलता है, 8GB और 128GB वेरिएंट देखने मिल जाता है। और यह स्मार्टफोन आता है एंड्रॉयड 12 और कस्टम यह कलर ओएस 12.1 पर रन करने मिलता है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस में ये फ़ोन में एवरेज कहूँगा, क्योंकि ये एक 4G प्रोसेसर के साथ आ रहा है और इस प्राइस रेंज पर 5G स्मार्टफोन मिल जाता है। बट एक अच्छी बात है कि इसके अंदर एंड्रॉयड 12 और कलर ओएस 12.1 मिल जाता है। तो आगे बढ़ते कैमरे की तरफ, जिसमें हम मिल जाता है 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा। और कैमरा क्वालिटी की बात करें तो अच्छा है, बट अल्ट्रा वाइड सेंसर होता तो बेटर रहता। और इसमें जो 2 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर है, जिसकी वजह से ये स्मार्टफोन इतना पॉपुलर रहा है, जब माइक्रो सेंसर यूज़ करोगे तो इसके पीछे जो लाइट दी गई है वो आपको ग्लो होती देखने मिलेगी। और वहीं पे फ्रंट की बात करें तो पंच होल कटआउट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने मिल जाता है। तो ओवरऑल आगे पीछे के दोनों कैमरे सही है, बट बैक में अल्ट्रा वाइड सेंसर होता तो बेटर रहता। तो फाइनली बैटरी की बात करें तो इसके अंदर 4500 mAh का बैटरी देखने मिल जाता है, क्योंकि ये स्मार्टफोन थिनर है, लाइट वेट है, इसके हिसाब से बैटरी सही है। और 33 वाट का सुपर वॉक चार्जर देखने मिल जाता है, जो क्लेम करता है कि 15 मिनट पर आपको 31% चार्जिंग करके देता है। तो ये एक अच्छी बात है। तो ओवरऑल फ़ोन की बात करें तो पहले प्रोस की बात करें तो एक अच्छा पैनल डिस्प्ले मिल जाता है एंड्रॉयड 12 और कस्टम वे एक अच्छा मिल जाता है। और वेट के अंदर लाइट वेट मिलता है, 33 वाट का फास्ट चार्जर। कॉन्स की बात करूँ तो कॉन्स के अंदर आपको 4G प्रोसेसर देखने मिल जाता है, क्योंकि आजकल की सभी फ़ोन में आता है। और अल्ट्रा वाइड सेंसर मिसिंग है कैमरे के अंदर, और इसके अंदर सिंगल स्पीकर मिलता है, क्योंकि अभी के आजकल के फ़ोन के अंदर स्टीरियो स्पीकर मिलता है, बट इसके अंदर सिंगल स्पीकर। तो इस स्मार्टफोन को मैं ओवरऑल कहूँगा कि ओवर प्राइस जा रही है स्मार्टफोन। तो कैसा लगा है वीडियो और फ़ोन रिव्यू कमेंट में जरूर बताना, अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।